अनिल जी नमस्कार, कैसे हैं नमस्कार। बस अच्छा हूँ। आप? सब कोई फिल्में बना रहा है आजकल, आप भी कई फिल्में बना दीजिए, जरा जानकारी देंगे क्या क्या बन के रेडी है आपकी फिल्में? जैसा कि मालूम ही है कि मैंने 5 पिक्चर अनाउंस की थी कि 2019 में मेरी 5 पिक्चर बनाऊंगा। काफी लोगों ने बोला भी था कि 5 पिक्चर कैसे बनेगी, क्या बनेगी, लेकिन अभी मुझे खुशी है कि 5 की जगह मैंने 10 पिक्चर 2019 में कंप्लीट कर ली है। 10 फिल्म कंप्लीट हो गई? हाँ, 10 फिल्म कंप्लीट हो गई। अच्छा, क्या क्या नाम रखा आपने जो फिल्म, जरा बताएंगे? फिल्म एक मेरी है, ये हसन पगली फंस जावे, जो सतीश जैन ने डायरेक्ट की है। इसके म्यूजिक डायरेक्टर राजेश झा है और इसके अंदर गोलू आर्टिस्ट है और इसकी शूटिंग छत्तीसगढ़ रायपुर के अंदर, झारखंड के अंदर कंप्लीट हुई है, छत्तीसगढ़ के अंदर सॉरी। तो ये पिक्चर अभी जस्ट कंप्लीट होके आई है, ये 2 फेज में कंप्लीट हुई है, करीब 45-50 दिन में। एक शेड्यूल 30 दिन का था, उसकी एडिट कंप्लीट हो गई है। दूसरा भी, ये पिक्चर जस्ट खत्म हुई तो दूसरे शेड्यूल की भोजपुरी एडिट में हो फोर्टी गई है। फाइव डे शूटिंग? सतीश जैन जी है तो उनके हिसाब से तो 45-50 डेज भी कम रहते हैं, क्योंकि उनका एक, हर डायरेक्टर का अलग अलग रहता है, उनका सोचने का और फिल्म का सेट करने का ये सब तरीका अलग है। ये हसन पगली जो उसमें रिलीज हुई है लैंग्वेज में छत्तीसगढ़ी, उसका रीमेक है, इसलिए उनको ये सब ध्यान था, तो बोले इसलिए जल्दी बन गई, नहीं तो पता नहीं हाँ, वो उसका शायद। काफी नाम सुना मैंने, हाँ करोड़ों का धंधा किया है। हाँ ऐसा कहा जाता है, टेड आंकड़े कि उस पिक्चर ने 15-20 करोड़ कमाए हैं, उसी हाँ, का ये भोजपुरी का रीमेक है जो हमने गोलू और प्रकाश जैस और इनको लेके बनाया है। मतलब भोजपुरी फिल्म में हाँ 15-20 करोड़ धंधा कर सकते हैं आप। वो तो नहीं कह सकते कितना करें, लेकिन अगर उसका 10% भी, आज की जो सिचुएशन है, अगर उसका 10-20% भी कर ले, तो मैं बोल सोचता हूँ कि भोजपुरी में सिनेमा के लिए जो थिएटर जो रोज बंद हो रहे हैं, एक टर्न अराउंड और टर्न आउट पॉइंट होएगा। तो हसन पगली कब तक रिलीज करने का प्लान है? ये पिक्चर मई जून में होगी, जैसे सतीश जी का मैं बताया कि भले सब कुछ हो, उनके हर चीज में वो एक एक चीज बड़े बारीकी से देखते हैं, सोचते हैं, तो ये मई जून में पिक्चर रिलीज करने का प्लान है। और वो प्लानिंग का एक पूरा बजट है पिक्चर रिलीज करने का, कैसे ट्रेलर लॉन्च करनी है, कैसे गाने लॉन्च करने हैं, उन्होंने उसके वीडियो भी बनाए हैं प्रमोशनल वगैरह, ये सब जो धीरे 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 मार्केट में आते जाएंगे। और दूसरी फिल्म कौन सी है? दूसरी ये फिल्म में 5 मेरिया है जो धीरज ठाकुर ने डायरेक्ट की है, जिसकी शूटिंग हमने फ्यूचर स्टूडियो में की है 15 दिन और बाकी अलग अलग लोकेशन में 15 दिन दूसरी लोकेशन पे की है। एक वुमेन ओरिएंटेड पिक्चर है जिसमें 5 हीरोइन है, संचिता बनर्जी, प्रियंका पंडित, निशा दुबे, कनक पांडे, प्राची, और आम्रपाली जी का सीन और गाना है, और आर्टिस्ट में प्रकाश जैस, के गोस्वामी और जय नीलम और ऐसे समर चतुर्वेदी, ऐसे काफ़ी आर्टिस्ट हैं। इसका गाने वगैरह कानू मुखर्जी ने कोरियोग्राफ किए हैं और म्यूजिक मधुकर आनंद जी ने दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा म्यूजिक उन्होंने दिया, वो अभी तक भी उस पर काम कर ही रहे हैं। तीसरी फिल्म कौन सी है? तीसरी फिल्म धनिया है जो कि राजस्थान में शूट हुई है और राजस्थान में उसके लिए हमने 1.5 करोड़ का सेट लगाया है, तो वो पिक्चर के अंदर राजू सिंह, माही सोनाली का और काफ़ी आर्टिस्ट है। वो आर्टिस्ट भोजपुरी के हिसाब से नॉन नहीं है, लेकिन पिक्चर का जो सब्जेक्ट और जो उसका ट्रीटमेंट और जो सेट लगाया गया है, तो ये भी भोजपुरी की एक भव्यतम पिक्चरों में से एक हो गई। दूसरी पिक्चर रंजिश है, वो भी राजस्थान में शूट हुई है, उसके डायरेक्टर है आर्टिस्ट राजू माई, सोनालिका है, संजय कोरवे वगैरह ये उनके कोरियोग्राफर हैं। फिर एक पिक्चर है लाल चुनरिया पे दिल आया है, उसमें जो समर सिंह है सिंगर, जो कि अभी काफ़ी फेमस हो रहे हैं, जिनके गाने वगैरह काफ़ी हिट होते हैं, तो समर सिंह और संजना राज जो भी एक गायिका है वो है। इस ये पिक्चर भी हमारी कंप्लीट हो गई है, सेंसर में जाने के लिए रेडी है और नीलाभ तिवारी ने उसको डायरेक्ट किया है, और ये एक पूरी म्यूजिकल फिल्म है। इस फिल्म के अंदर 10 गाने हैं और 10 ही गाने अलग अलग सिचुएशन पे है, कोई बच्चों के हिसाब से और दर्द भरे और नौटंकी वाले ये सब, तो ये पिक्चर भी हम सेंसर में दे रहे हैं। तो ऐसे ये 5 पिक्चर हो गई है जो कि सेंसर में हम दे रहे हैं अभी। फिर एक पिक्चर हमने की है अगुआ, वो रितेश ठाकुर ने डायरेक्ट की है, उसके ये 5 हीरोइनों की जगह 5 हीरो की स्टोरी है, जिसके अंदर पांचों हीरे सिंगर है, जैसे कि अमरीश है, दीपक दिलदार है, लाडो मदेशिया है, सनी सनिया है, लेसारी लाल यादव है, लड़कियों में श्लेषा मिश्रा है जो कि हिंदी पिक्चरों में हमारे काफ़ी काम कर चुकी है, वो पहली भोजपुरी मूवी करी। आर्टिस्ट में के गोस्वामी है, महेश आचार्य है और वो सब है। इसकी शूटिंग भी कंप्लीट हो गई है, पिक्चर पोस्ट प्रोडक्शन में चल रही है। और ये भी एक मैं सोचता हूँ कि जैसे 5 सिंगर है
और एक वुमन है, और सामाजिक पिक्चर है जो दहेज के अगेंस्ट में है, तो काफ़ी अच्छा सामाजिक मैसेज देती है और काफ़ी अच्छी पिक्चर बनी है। छठी पिक्चर हमारी है लव जर्नी, जो धीरज ठाकुर ने डायरेक्ट की है, जिसमें सूर्या, निशा दुबे और ये सब है, और ज्ञान सिंह का उसमें म्यूजिक है। सातवीं है नगीनिया, जो रितेश ठाकुर ने की है, ये एक फैंटेसी मूवी है जो कि काफ़ी आर्टिस्ट को और सांप बिच्छू और ये सब लेके की है, और महेश आचार्य ने उसमें कोरियोग्राफ और म्यूजिक दिया है। फिर एक चल जिले है, चल जिले में अमरीश अमरीश सिंह है, और आशीष तिवारी गुंजन पर, और दीपक सिन्हा मटरू वगैरह ये है, उस रिकी गुप्ता ने इसमें कोरियोग्राफ किया है। ये पिक्चर भी काफ़ी अच्छी बनी है। और दसवीं पिक्चर है जो कि लास्ट बट नॉट लीस्ट, दर्दिया बालम है। ये एक थ्रिलर ड्रामा है जो कि गुंजन पंत, गुंजन सिंह और प्रियंका पंडित, अमरीश सिंह और आदित्य मोहन, ये सारे उसमें आर्टिस्ट हैं। रितेश ठाकुर ने उसको डायरेक्ट की है और महेश आचार्य ने उसको कोरियोग्राफ किया है। तो ये अभी सभी जनवरी के अंदर 5 पिक्चर सेंसर हो जाएगी और फरवरी के अंदर 5 पिक्चर सेंसर हो जाएगी। तो मेरे लगता है जनवरी फरवरी में 200 पिक्चर हम सेंसर में दे देंगे, क्योंकि 5 पिक्चर तो करीब करीब कंप्लीट है और पांचों का पोस्ट चल रहा है। अनिल जी, जैसा कि 200 पिक्चर का नाम मैंने सुना, सेलिब्रिटी भी देखा, तो आपने एक नए लोग लेकर फिल्म बनाया, नए लोग नहीं लेकिन सिंगर हैं, आपने बड़े सुपरस्टारों को क्यों नहीं लिया? नहीं, सुपरस्टार को लेके भी हमने पिक्चरें बनाई, ऐसा नहीं है कि हमने सरकार राज पवन पवन सिंह को जो लेके बनाई है, मैं सेहरा बांध के खेसारी लाल यादव जी को लेके बनाई है, निरुआ चले लंदन मेरी प्रेजेंट थी जिसमें निरुआ थे, और हमारे इंडिया वर्सेज पाकिस्तान थे जिसके अंदर भोजपुरी के भी काफ़ी सारे आर्टिस्ट थे, तो उनको भी लेके बनाई है। लेकिन आजकल जो चल रहा है, जिस हिसाब से सिनेमा हॉल के अंदर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, अगर कंटेंट अच्छा है तो बड़े आर्टिस्ट हो, छोटे आर्टिस्ट हो, नए हो, पुराने हो, पिक्चरें वही चल रही है, सभी जगह वही ट्रेंड है, चाहे वो हिंदी का हो, हमने हिंदी पिक्चरों में भी इतनी बनाई है, तो आजकल सब कंटेंट बेस का ही जमाना। आपने देखा कि भी आमिर खान और अमिताभ बच्चन जैसे सुपर डुपर स्टार की भी पिक्चर नहीं चली है, और नए आर्टिस्ट आयुष्मान खुराना की और इनकी पिक्चरें भी चलती है, अगर उसमें कंटेंट और पिक्चर अच्छी बनी हो तो। इसमें ये आर्टिस्ट नए नहीं है, जिस हिसाब से डिजिटल और इनको टीवी पे देखा जाता है, और सभी नामी गिरामी सिंगर है, तो ये भी आने वाले दिनों में अच्छे, मेरे को लगता है, बड़े आर्टिस्ट बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।